Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए क्लास थर्ड मैथ में अचीवर सेक्शन से टॉपिक है हमारा कंप्यूटेशन ऑपरेशन. टॉपिक से किस प्रकार के अचीवर सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो हम प्रैक्टिस देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ज़्यादा समय न लेते हुए आपको सीधे हम क्वेश्चन पर ले आते हैं. कंप्यूटेशन ऑपरेशन में अचीवर सेक्शन से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों को आ सकते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे. साथ ही इसके हम सॉल्यूशन भी करते जाएंगे कि किस प्रकार इसे हमें सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताते चलूंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वांट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली. यह पी दिया हुआ है, पी एंड क्यू की वैल्यू हमें बताना है. तो ऑप्शन ए 0 और 8, 9 और 6, D 8 और 4 क्या हो सकता है. तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन D 8 और 0. चलिए इसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि किस प्रकार ये 8 और 0 आ रहा है. यहाँ पर हम लिखते हैं 8 और 8 एंड नीचे हम ले लेंगे यहाँ पर 0 और 8. तो इसको हम माइनस करते हैं, यहाँ पर हम माइनस का साइन दे लेते हैं. यहाँ 9 खींच के ये हमें माइनस करना है. चलिए यहाँ से हम माइनस ले लेते हैं. तो माइनस के लिए 8 8 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया. 8 8 0 एंड 8 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8. 8 में से 0 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 8. ये हो गया 8 और 0, इसके करेक्ट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली. देखिए पी 80 डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू 97. चलिए इसको थोड़ा सा हम और लार्ज कर देते हैं कि आपको अच्छे से दिख जाए. 80 प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉट ए डिवाइडेड. 80 प्लस पी इज इक्वल टू 97. 80 प्लस पी इज इक्वल टू 97 है. तो चलिए इसको हम डिवाइड करके देखते हैं. चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. एटी प्लस हमारा ये कीबोर्ड का प्लस ऑप्शन नहीं चल रहा है इसलिए मैं यहाँ से ले रहे हैं. 80 प्लस पी इज इक्वल टू हमारा क्या दे रहे हैं, 97. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी को अगर इक्वल साइन के उधर हम ले जाते हैं तो P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 97 माइनस 97 माइनस 80. तो हमको क्या प्राप्त हो गया, 70. ये हमें प्राप्त हो गया 70. तो P इसका टू हमारा 17 हो गया. नाउ इसी प्रकार हम देख लेते हैं 97 माइनस 12 इज इक्वल टू Q. नेक्स्ट ऑप्शन ये वाला हमारा दिया हुआ है 97 माइनस 12 इज इक्वल टू Q. तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा हमारा 97 माइनस 12. तो हमको प्राप्त हो जाएंगे 85. चलिए इसको मैं सॉल्व करके फिर आपको बताती हूँ. चलिए इसको हम देख लेते हैं.
देखिए यहाँ 80 प्लस पी स्क्वायर टू 97 दिया है, तो 80 प्लस पी स्क्वायर टू 97 हमने ले लिया, इसलिए 97 माइनस 80 स्क्वायर टू 17 हो गया। फिर नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है क्यू स्क्वायर टू 97 माइनस 12 स्क्वायर टू 85, सो क्यू प्लस 20 स्क्वायर टू आर। नेक्स्ट यहाँ दिया है क्यू प्लस 20 स्क्वायर टू आर, तो यहाँ पर हम सो q प्लस 20 इक्वल टू r हो गया, इसीलिए r बराबर हमारा q की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर 85, q की वैल्यू हमने 85 यहाँ निकाली है, देखिए q की वैल्यू हमने यहाँ पर 85 निकाली है, इसीलिए q प्लस 20 इक्वल टू r में q की वैल्यू हमने 85 ली और 20 प्लस r इक्वल टू 105, सो ये हो गया हमारा 105। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 1785 and 105, यानी पी की वैल्यू हमारी क्या आई 17, पी की वैल्यू हमारी 17 आई है, फिर क्यू की वैल्यू हमारी 85 आई और आर की वैल्यू 105 आई, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द नंबर्स, ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसके हिसाब से हमें नंबर फाइंड करना है। पहला बोल रहा आई एम ए ऑड नंबर, मैं क्या हूँ ऑड नंबर हूँ। दूसरा आई एम लेस देन 80 बट मोर देन 50, क्या है लेस देन 80 यानी 80 से लेस देन है और 50 से मोर देन है, तो ये और ये दो ऑप्शन तो यूं ही हट गया क्योंकि 50 से ज़्यादा है तो 50 से ज़्यादा ये दोनों नहीं है। अब बचे दो ऑप्शन 63 एंड 72। नेक्स्ट देखेंगे माई 10 डिजिट ग्रेटर देन 1 डिजिट, हमारे 10 डिजिट जो है 1 डिजिट से ग्रेटर है, तो ये भी ग्रेटर है एंड ये भी ग्रेटर है। सम ऑफ माई डिजिट इज 9, दोनों का सम हमारा 9 हो रहा है, तो 6 प्लस 3 इक्वल टू भी 9 एंड 7 प्लस 2 इक्वल टू भी 9। अब हमारा फर्स्ट जो दिया गया है आई एम एन ऑड नंबर, यहाँ पे ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर हमारा 63 ऑड नंबर है और 72 हमारा इवन नंबर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 63 नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ए शॉपकीपर ट्वाइस एज मेनी एग ऑन संडे देन ऑन सैटरडे, यानी संडे को वो सैटरडे के ट्वाइस एग्स जो है वो सेल करता है, तो एंड सोल्ड फोर टाइम्स मेनी एग्स ऑन वेडनेसडे देन संडे, और फोर टाइम्स जो है एग्स वेडनेसडे को, संडे को जो एक सेल करता है उसको फोर टाइम ज़्यादा करता है, ही सोल 25 एग्स ऑन सैटरडे, सैटरडे को वो कितने कर रहा है 25, तो सैटरडे को 25 कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ एग्स सैटरडे, ठीक है चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं सैटरडे को 25, एक मिनट इसको मैं लिख कर आपको बताती हूँ फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए इसको हम समझते हैं, शॉपकीपर सोल्ड ट्वाइस एक सैटरडे देन ऑन संडे एंड ही सोल्ड फोर टाइम्स ऑन वेडनेसडे ऑन संडे, यानी सैटरडे को जो एक सेल करता है उसका डबल वो संडे को करता है, तो ही सोल्ड 25 एक सो सैटरडे को करता है, तो सैटरडे को वो कितना सेल कर रहा है 25, तो संडे को डबल किया तो 25 प्लस 25 50 हो गया। फिर कह रहा है कि वेडनेसडे को He sold four times many eggs on Wednesday. तो Wednesday को जो एक सेल हुआ 50, इसका four times करता है, तो Wednesday को क्या हो गया four times 50 plus 50 plus 50 plus 50 is equal to 200. So correct answer हो जाएगा 50 and 200. तो correct answer 50. Sunday को जो है संडे को 50 करेगा एंड वेडनेसडे को 200, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्कल. सर्कल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. यहाँ पर दिया गया सर्कल प्लस सर्कल प्लस सर्कल प्लस सर्कल प्लस ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल इज इक्वल टू 96. यानी 4 सर्कल एंड 2 ट्राइंगल इज इक्वल टू 96. और यहाँ पे है 2 सर्कल प्लस 2 ट्राइंगल इज इक्वल टू 96. तो यहाँ पर हम ये ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे मान लीजिए हम 2 सर्कल को हम प्लस करते हैं और प्लस ये हो जाता है 62 इज इक्वल टू 96. तो 2 सर्कल इज इक्वल टू हमारा यहाँ हो जाएगा 96 माइनस 62. तो ये आंसर आ जाएगा आपका 34. ये 34 हो गया. तो 2 सर्कल इज इक्वल टू 34. तो 1 सर्कल क्या हो गया, 17 प्लस 17 इज इक्वल टू 34 हो रहा है. क्या है, 17 प्लस 17 34. तो 1 सर्कल की वैल्यू क्या हो गई, 17. 1 सर्कल की वैल्यू 17 हो गई. सो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर, द वैल्यू ऑफ ये सर्कल है माउस इज 12 टाइम्स एज मच एज वैल्यू स्टार या फ्लावर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डैश माइनस 2 इज इक्वल टू डैश इफ एट. तो ये जो वैल्यू हमारे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो इक्वल टू इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, 59 माइनस 18. 59 इज तो 18 हो जाएगा. तो 59 माइनस 18 इक्वल टू हमारा माइनस करके आ रहा है 59 माइनस इक्वल टू 41. ये हो गया 41. एंड देन फिर स्टार इक्वल टू 12. ये स्टार इक्वल टू 12 दिया गया है, ठीक है, ये इक्वल टू 12 है. तो देन 12 हो जाएगा. तो 12 इंटू 41. 212 है, 12 इंटू 2 टाइम्स है, तो 12 इंटू 41. तो दिस इक्वल टू ये 41 हो गया. एंड स्टार इक्वल टू 12 इंटू 41 इक्वल टू हो गया, मल्टीपल करके हमारा आ जा रहा है 492. सो करेक्ट आंसर है ये हमारा ऑप्शन 492. एंड फिर 2 इंटू 41, तो 492 माइनस 82. 492 माइनस 82 इक्वल टू 400. ओके, आंसर हमारा आ रहा है 400. तो चलिए करेक्ट आंसर हो जाता है, देख लेते हैं 410 हमारा कौन से ऑप्शंस में आ रहा है. 410 हमारा ऑप्शन डी में. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा मिसिंग नंबर है. चलिए यहाँ पर हम मिसिंग नंबर देख लेते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस में हमें सभी नंबर्स को डाल डाल कर सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ रहा है. तो यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर ले ले रहे हैं ऑप्शन, पीछे से स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करके हमने रखा है. तो ये हमारा हो जा रहा है 582. यहाँ पर हो रहा है 582 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे. 582 डिवाइडेड बाई 3 तो हमको प्राप्त होगा यहाँ पर 194 हो जाएगा. 194 में से हम प्लस 14 प्लस माइनस करेंगे तो हमको हो जाएगा प्राप्त होगा 180. एंड 180 में से 2 को मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 360. एंड 360 में हम 12 प्लस करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 372. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8.
Which of the following statement is incorrect? Option A, if 44 A is equal to B plus 1, then A is equal to 4 and B is equal to 10. चलिए इसको हम समझते फिर करते। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इफ 44 ए इजकल टू बी प्लस वन देन ए इजकल टू 4 प्लस बी इजकल टू 10 दिया गया। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 करेक्ट है। इफ देयर आर 4 बॉल्स इन बॉक्स देन देयर आर 42 बॉल्स इन 13 बॉक्स। ठीक है, 13 फोर या 52 होता है तो दिस इज द करेक्ट हो गया। एंड नेक्स्ट, इफ सोनम हैज 46 सॉक्स तो देन सी हैज 23 पेयर्स ऑफ सॉक्स। तो क्या होगा, सोनम है 56 सॉक्स तो वन पेयर ऑफ सॉक्स कितने हो गए, 2। सो नंबर ऑफ पेयर सॉक्स इन 46 तो 46 प्लस 2 इज इक्वल टू 28। तो उसके पास कितने होने चाहिए, 28। तो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। फाइंड द फोर डिजिट नंबर, इट इज इवन नंबर, हमें याद रखना है इवन नंबर है। इट्स 10 डिजिट इज लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर। 10 डिजिट जो है लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट वन डिजिट यहाँ 9 हो जाता है, तो लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर यहाँ पर 9 हो गया। देन है द 100 डिजिट, 10th डिजिट इज ऑफ 1000 माइनस 889। 1000 माइनस 889 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 डिजिट क्या हो जाएगा, 111 इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड 1000 डिजिट, वन ऑफ डिजिट इक्वल टू 338 प्लस 759 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमारा नंबर हो जाता है 7। क्या होता है, वन डिजिट इज इक्वल टू 9, 8, 8, 17। यहाँ पे कितना नंबर्स आ जाता है, 1097। तो हमारा 1000 डिजिट पे क्या हो गया, यहाँ पर नंबर्स वन डिजिट पे नंबर हमारा हो गया 7। एंड सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गिवन ऑप्शन इज द 7 जो है हमारा 1000 डिजिट पे हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू 1000 डिजिट वन डिजिट, यहाँ तो 1000 डिजिट पे नंबर वो होगा जो यहाँ पे वन डिजिट पे नंबर आ रहा है। तो वन डिजिट पे हमारा नंबर क्या आ रहा है, 7, जो हमारा 1000 डिजिट पे होगा। तो पहला हमारा ऑप्शन 1 या बी, दोनों में से कोई हो सकता है। दूसरा हमारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हमारा 10 डिजिट पे हमारा 1 आ रहा है, तो 10 डिजिट पे हमारा 1 आ रहा है, 100 डिजिट पे सॉरी 1 आ रहा है, तो 100 डिजिट पे दोनों में 1 आ रहा है। एंड रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ 9 आ रहा है। सो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है ये 95 हमारा ऑड नंबर हो गया जबकि 7192 हमारा इवन नंबर है। ऑप्शन ए के हिसाब से हमारा इवन नंबर होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये 7 बी ऑप्शन है, 7192। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिवाइडेड बाय 578 टू गिव डिवाइडेड बाय, कौन से नंबर को 786 को हम कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें वापस वही नंबर प्राप्त होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1। किसी भी नंबर को हम 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें वही नंबर प्राप्त होता है, नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, वनिका प्लेस, वनिका प्लांटेड सम प्लांट्स इन गार्डन इन सेम रो। इफ नंबर ऑफ प्लांट्स इन द रो सेम एज द नंबर ऑफ रो विच कैन बी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। अगर वनिका कुछ प्लांट्स जो है गार्डन में एक रो में
अरेंज करती है। यदि नंबर्स ऑफ प्लांट रोज सेम एंड नंबर्स ऑफ रो यानी प्लांट्स और रो दोनों सेम हो तो विच कैन बी टोटल नंबर्स ऑफ प्लांट, तो कितने प्लांट्स उसने डाले प्लांटेड किए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 × 9। इसको हम समझ लेते हैं, चलिए देखिए किस प्रकार। Since the number of plant is a row is the same as number of rows, so therefore total number of plant can be 9 × 9. Next, which one of the following is true? True. 12 numbers. Question number 12. Which one of the following is true? One plus zero is equal to 10. 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 9, रॉन्ग। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 11, रॉन्ग। 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अभी हमने देखा है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बच्चों आप बताइए करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1। अभी हमने ऊपर बताया कि किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से 1 से डिवाइड किया जाए तो वही नंबर हमें प्राप्त होता है। सो करेक्ट आंसर इज 1। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। साथ ही चैप्टर वाइज आपके लिए हम अचीवर सेक्शंस क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए ओलंपियाड एग्जाम की प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।